हेलो मेरे प्यार बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर इस वीडियो को आप एग्जाम के एक दो दिन पहले देख रहे हैं या फिर एग्जाम के दौरान देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके डर को दूर भगाएगा। बहुत सारे बच्चे हमें बोल रहे थे, कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें डर लग रहा है, अंदर से घबराहट हो रही है, हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम हॉल में हम क्वेश्चन के जवाब ही उल्टा सीधा लिख दें। देखिए बच्चों, अगर आप टेंशन लेकर के, प्रेशर लेकर के एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो यह समस्या 100% आपके साथ होगी। तो हमें प्रेशर टेंशन कैसे रिलीज करना है, आज के इस वीडियो में हम वही चीज जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान से समझना बच्चों, वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, हम ये बोल रहे हैं। देखिए, हमारा जो दिमाग होता है बच्चों, वो क्या है, जितना कुछ करता है, जितना कुछ कहता है, हमारा जो सिस्टम है, हमारी पूरी बॉडी है, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। कहने का मतलब, दिमाग बहुत ही हरामखोर है, वो इतना करेगा उतना ही जितना हम उसको प्रेशर देंगे, जितना हम उसको कहेंगे। देखिए, इसका हम एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। कहने का मतलब, ये चीज आप खुद, ये समस्या जो आप के अंदर हो रही है, उसका जिम्मेदार आप खुद हैं। वो कैसे हैं, चलिए हम बताते हैं। क्या चार दोस्त थे, वो चारों दोस्त एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, और वहां पर वो खाना जब ऑर्डर करते हैं, उसके बाद खाना आता है टेबल पे, सजा करके दबा करके खाते हैं मजे में, और उसके बाद वहां का होटल का मालिक आता है और एक को कहता है, हाथ जोड़कर, सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके खाने में छिपकली गिर गई थी, मरी हुई थी। तो इतना सुनते ही तुरंत ही वो वोमिटिंग करने लगा, उल्टी करने लगा, पूरा का पूरा उसकी तबीयत एकदम खराब हो गई वहां पर। और उन तीनों ने कहा कि क्या मेरे खाने में ऐसा था, तो उसने कहा नहीं सर, आपके खाने में नहीं था, केवल इनके खाने में था। तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई, उसे तुरंत उल्टी होने, तुरंत सुनते ही वोमिटिंग होने लगी। तो क्यों होने लगी, क्योंकि उसके दिमाग में यह चीज बैठ गया था कि भाई मेरे खाने में छिपकली गिर गई है, अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मैं मरूंगा, क्या होगा, आई डोंट नो। लेकिन उसने बाद में बताया कि सर ऐसा कुछ भी नहीं था, आपका खाना पूरी तरह एकदम फ्रेश था, पूरा बढ़िया तरीके से हमने हर एक चीज का ख्याल रखा था, कुछ भी नहीं, साफ सुथरा खाना था। लेकिन फिर भी उसने ऐसा रिएक्ट किया उसकी बॉडी ने, क्यों, क्योंकि दिमाग ने वो चीज उसको बताया, सिस्टम को, उसके शरीर को सूचना भेज दिया कि भाई आपके खाने में ये चीज था, और बॉडी ने तुरंत ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या है, वो आपके दिमाग में वो चीज बैठ गया था। और एक एग्जाम्पल और आपको बता देते, हमने पहले भी बताया था कि अमेरिका में क्या है कि वहां पर एक आदमी को जब मौत की सजा सुनाई गई थी, तो उसे कहा गया कि भाई तुमको क्या है, किंग कोबरा से कटवाया जाएगा। और उसके बाद क्या किया, आंख पर पट्टी बांध करके उसके हाथ में दो सुई चुभो दी गई, और फाइनली कुछ समय के बाद उस आदमी की मौत हो गई। और बाद में जांच में पता चला कि भाई उसमें क्या है, क्योंकि उसके दिमाग में जब उसको सुई चुभोई गई, तो उसके दिमाग में वही चीज चल रही थी कि भाई मुझे तो किंग कोबरा ने काट लिया, तो दुनिया का सबसे खतरनाक सर्प है, अब मैं मर जाऊंगा, किसी हालत में बचूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए अब नहीं बचूंगा। और यही सोचते सोचते उसका बीपी हाई हो गया, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, और दिमाग की नसें फट गई, और वो क्या है, मर गया। तो क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में, जबकि ऐसा हुआ नहीं था, उसे सुई चुभोई गई थी, लेकिन फिर भी वो मर गया। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि मुझे सर्प ने डस लिया है, सर्प ने बाइट कर लिया है। और वही गलती आप भी कर रहे हैं कि ये दिमाग में ये टेंशन लेकर के, ये सोच करके कि मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, ये आप सोच करके अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। तो बच्चों, इस डर से बाहर आइए। सबसे पहले हमारे कहने का मतलब यह है कि आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि मेरी तैयारी बढ़िया से हुई है, 100% हुई है। चलिए, कहां से क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से करूंगा। ये चीज अपने दिमाग में आपको बैठाना होगा बच्चों, तभी आप सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, फिर भी आप उसको कर लेंगे, भले ही उस तरीके से ना कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत लिख लेंगे। लेकिन वही आपको प्रेशर रिलीज करना है, माइंड से सारा टेंशन दूर भगाना है।
ये चीज आपको करना है। अगर आपने इस चीज को कर लिया बच्चों तो यकीनन आपका परिणाम देख लेना कितना शानदार होगा, जीत एकदम शानदार होगी। पहले पहले क्या करिए, प्रेशर से बाहर निकलिए। देखिए बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जैसे हमने तो भाई बहुत ज्यादा स्कूल अटेंड नहीं किया, कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर सके, तो सर हमने तैयारी तो ठीक तरीके से नहीं किए तो हम क्या करें। देखिए बच्चों हमने पहले आपको बताया है कि आप 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। अगर नहीं भी लगाया है अब भी वक्त है, हमने पिछले 2-3 दिन से लगातार क्वेश्चन पेपर को ही बता रहे हैं। आप एक बार क्वेश्चन पेपर को देखिए, पैटर्न पूरा देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आता है, और सबसे पहले फिर एकदम शांत मन से दिमाग में यह सोचिए कि यस आई कैन डू इट, कि मैं इस चीज को कर सकता हूं, क्योंकि असंभव जैसी कोई भी चीज नहीं होती है ना, यह चीज ध्यान देना, ठीक, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं होती, हर एक चीज संभव बच्चों, बसरते उसे शिद्दत से किया जाए। आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। सबसे पहले बच्चों आपको एग्जाम पीरियड में कुछ बातें ऐसे हैं, ऐसी हैं जो ध्यान में रखना एग्जाम के पहले। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, स्कोरिंग वाले, ठीक, स्कोरिंग जो भी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं या क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, स्कोरिंग टॉपिक्स वाले को आपको सबसे पहले करना है। मतलब कहने का मतलब जैसे आपके हिंदी में निबंध हो गया भैया 9 नंबर का, गद्यांश पद्यांश हो गया 10-10 नंबर का, ठीक है ना, प्रार्थना पत्र 6 नंबर का, तो इस तरह से जो कहानी है और ये सारे बच्चों ये सब टॉपिक्स जो हैं आपके क्या हैं कि ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। कहने का मतलब 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसे ऐसे ये पूछे जाते हैं। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या करें, स्कोरिंग टॉपिक्स को करें, यानी ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे टॉपिक को पहले कवर करें जो सबसे ज्यादा नंबरों में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि 1 नंबर वाला शुरू कर दो, आप शुरुआत से ही करो, गद्यांश है फिर पद्यांश है, फिर आपका क्या है ऐसे जाएगा और सब 10-10 नंबर वाले, फिर उसको क्रम से आप ऐसे लिखते जाएंगे। तो शुरू से ही करिए, लेकिन सबसे पहले स्कोरिंग टॉपिक वाला, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। और उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी कि ये आपको क्या करना है बच्चों, कि मान लेते हैं कि कोई प्रश्न ना आए, कोई प्रश्न आपको नहीं आता है, कोई प्रश्न ना आए, देन क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, ठीक, कि हमें किसी प्रश्न का जवाब नहीं पता है तब हम क्या करें। देखिए बच्चों इसके लिए रामबाण तरीका तो यही है कि जिस प्रश्न का उत्तर ना याद हो उससे संबंधित चीजों को लिखने का प्रयास करो, उससे संबंधित चीजों को लिखने का प्रयास करो। मान लेते हैं कि जैसे हमने बताया कि हिंदी में आ गया आपका कि जैसे खंड काव्य है, खंड काव्य है, और उसमें महात्मा गांधी जी का आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना है गांधी जी का। तो गांधी जी का जीवन परिचय मान लेते हैं आपको याद नहीं है, लेकिन गांधी जी के बारे में आपने सुना तो है, कुछ तो सुना होगा गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी कौन कौन थे, ठीक है ना, और उनका नाम क्या था भाई, चलिए मान लेते हैं बचपन का नाम नहीं पता है, लेकिन ये तो लिख सकते हैं ना कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, उन्होंने कहां आंदोलन किया, कहां पर सत्याग्रह किया, ठीक है ना, उनका आश्रम कहां था। तो उससे संबंधित जो चीज भले उनको नहीं पता कि इनका नेचर कैसा था, नहीं पता, लिखने का प्रयास करिए। मान लेते हैं आ गया बच्चों फिजिक्स में ट्रांसफार्मर, कि मान लेते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं पता, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं पता, इसकी क्रियाविधि आ गया फिजिक्स में 5 नंबर में आपको नहीं पता, तो ये लिखिए कि ट्रांसफार्मर क्या है, इतना लिख दीजिए भाई, कैसा होता है ट्रांसफार्मर, कितने प्रकार का होता है ट्रांसफार्मर, की क्रोड किस चीज की बनी होती है ट्रांसफार्मर, का काम क्या होता है, कैसे काम करता है, जो भी पता है उससे संबंधित चीजों को लिखने का प्रयास करिए। ये कोशिश आप करेंगे तो यकीनन इससे बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मान लेते हैं आ गया बल, कि बल की परिभाषा लिख लिए, केवल बल की परिभाषा आ गया, और बल की परिभाषा आपको नहीं पता है, मान लेते हैं कि आपने बहुत बचपन से ही एफ बराबर एम ए रटा है, तो क्या करिए आप फार्मूला लिख दीजिए, ठीक है ना, क्या करिए इसका मात्रक लिख दीजिए, कौन सी राशि है ये लिख दीजिए। वो चीज नहीं पता एक्चुअल में, लेकिन उससे संबंधित चीजें आपको पता है, लिखने का प्रयास करिए, ठीक है ना। और आप ऐसा करेंगे बच्चों तो एग्जामिनर भी देखेगा कि इस बंदे ने मेहनत किया है, लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि वो भी जान जाता है कि किसने छापा है क्वेश्चन बैंक से और किसने अपने से लिखा है। इसलिए क्या करना कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं पता है उससे संबंधित चीजों को लिखने का प्रयास करो। और क्या जाता है यार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करके देख लेते हैं ना क्या हमारा जाता है, भाई हमारा क्या जाता है, पैसे तो देने हैं नहीं वहां पर,
ठीक है ना, कि हाँ चलिए इस क्वेश्चन का पैसा लग रहा है। तो उसके बाद जैसे मान लेते हैं ये चीज हो गया, ठीक है ना, और इसके सब बाद आपको क्या है, कोई भी प्रश्न बच्चों छोड़ना नहीं है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ध्यान देना कि कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, ठीक। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन भाई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, माइनस मार्किंग तो है नहीं, चलिए कि भाई हमने छोड़ दिया क्वेश्चन क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो जब आपको छोड़ने के भाई आपका ही छोड़ने पर आपका ही नुकसान हो रहा है क्वेश्चन को छोड़ने पर, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ क्यों रहे हैं, तो उसको करने का प्रयास करिए ना। भले ही उल्टा सीधा जो कुछ भी आए छाप दीजिए, लेकिन हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटने ना पाए। पहले हम टाइम टेकिंग, जो भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं समय लेते हैं लेकिन ज्यादा नंबर में होते हैं, उन्हीं को करना है। बाद में समय बचता है, इन सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके ना ये बच्चों, ठीक है ना। और टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है जनाब, क्यों, क्योंकि आप कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आईएसपीसीएस का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो कि भाई चलिए अब फेल हो गए तो कैरियर बर्बाद। ये तो आपका एक छोटा सा टेस्ट है बच्चों, कि आपने साल भर मेहनत किया और उस साल भर मेहनत का एक छोटा सा टेस्ट है कि चलिए देखते हैं कि इस टेस्ट में कौन सा कौन बंदा खरा उतरता है। तो आपको खरा उतरना है, आपको वो चीज करना है, और आप डेफिनेटली वो चीज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपके पीछे मोनू सर का सपोर्ट है, आपके माता पिता का सपोर्ट है, और हमेशा दुआ करते हैं ईश्वर से कि आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो जाए, ठीक है ना। माता पिता के लिए ही, हमारे लिए ये चीज आपको करना होगा बच्चों, एग्जाम में झंडा गाड़ना होगा, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। और निबंध की बात आ जाए, जैसे निबंध क्या है उसके लिए हम वीडियो ला देंगे, परेशान मत रहिए। निबंध में सबसे पहले आपको पता चल जाए कि आपको शुरुआत कहां से करना है। जैसे निबंध में क्या है भाई, निबंध में हमें पता है कि जैसे बेरोजगारी पर आ गया, बेरोजगारी में कौन कौन सी हेडिंग हो सकती है, अगर आप हेडिंग ही जान गए तो आप इजिली लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं बेरोजगारी में आ गया भाई, तो हमें पता है कि प्रस्तावना लिखना है, ठीक है ना, प्रस्तावना के बाद बेरोजगारी का अर्थ लिखना है, इसका कारण लिखना है, इसका निवारण लिखना है, ठीक है ना, उसके बाद इसका उपसंहार लिखना है। सबसे जरूरी बच्चों होता है निबंध में क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है तो हेडलाइन, क्योंकि इतने सारे निबंध है, 25-30 निबंध है, तो आप हर एक निबंध को रट थोड़ी सकते हो। ये सारी चीजें क्या है, आपके मेंटल एबिलिटी पर डिसाइड करती हैं, आपकी सोच पर, कि आप कितना सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर के, ठीक है ना। जैसे आ गया बेरोजगारी, प्रस्तावना क्या है, तो लिखेंगे बेरोजगारी आज के समय में क्या है, एक जहर है, जो जहर की तरह पूरे मानव समाज में फैल रही है और हर एक व्यक्ति इसकी चपेट में आ रहा है, एक प्रकार से ये महामारी की तरह फैल रही है बेरोजगारी, लिख देंगे प्रस्तावना में जो भी याद है। और अर्थ में क्या लिखेंगे, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी उसे कहते हैं कि जब कोई योग्य व शिक्षित व्यक्ति होता है और उसके योग्यता के अनुसार उसे कोई जॉब नहीं मिलती है, यानी कोई काम नहीं मिलता है, कोई नौकरी नहीं मिलती है, तो उसे कहा जाता है बेरोजगारी, यानी उसके पास कोई रोजगार ही ना हो, ठीक है ना, यानी उसके अंदर टैलेंट तो है लेकिन कोई रोजगार नहीं है। कारण में लिख दिया कि भाई कारण क्या है, बेरोजगारी कारण, तो सबसे बड़ा जो कारण है क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, और उसके साथ साथ भाई जो चापलूस व्यक्ति हैं, जो चापलूस पड़े होते हैं ना बीच में, बिचौली होते हैं, पैसे खा लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत ज्यादा नकल होती है, धांधली होती है, पेपर लीक हो रहा है, तो दिन प्रतिदिन क्या है, बहुत सारे बच्चे इससे वंचित हो जाते हैं, तो दिन प्रतिदिन इससे बहुत सारे बच्चे क्या है, जब जॉब नहीं पाएंगे भाई बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक, बहुत सारे कारण होते हैं। और उसके बाद क्या है, इसके का निवारण कैसे कर सकते हैं, तो निवारण कैसे किया जा सकता है, ये चीज आपके मन में जो है उपसंहार में पूरा निचोड़ लिख दीजिए। तो इस तरह से बच्चों चीजों को बना करके लिखने का प्रयास करिए। हेडिंग मिल गई तो आप कर लेंगे, दूध का कर्ज आपने मूवी देखी होगी, उसमें गाना है कि रास्ता तो मिल गया है, मंजिल भी ढूंढ लूंगा, और मैं कतले होके अपने कातिल को ढूंढ लूंगा। तो रास्ता अगर मिल जाएगा तो मंजिल तक तो आप डेफिनेटली पहुंच ही जाएंगे, बशर्ते आपको रास्ते की जरूरत है, आप शुरुआत तो करो ना। तो आप शुरुआत जब कर देंगे बच्चों तो वो काम बहुत ही आसान हो जाएगा और चीजें धीरे धीरे आपको आने लगेंगी, उसके बाद मजा आ जाएगा। तो ये चीज आपको करना है बच्चों, तैयारी नहीं भी हुई है, अपने जहन में अपने माइंड में ये बात रख लीजिए कि मेरी तैयारी हुई है, और ये चीज करेंगे तो फिर एवरीथिंग विल बी फाइन।
सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। ये चीज अपने दिमाग में रख लीजिए कि मुझे सब कुछ आता है। ये सोचिए ही मत कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं ना, ठीक है ना। ये चीज आपको एग्जाम के समय में ध्यान देना है। बाकी काली और नीली पेन का ही प्रयोग करना है बच्चों एग्जाम में, हॉल में, एग्जाम के हॉल क्या करने है, एग्जाम शुरू होने से पहले आपको क्या करना है, लगभग आधे घंटे या एक घंटे के करीब इतने समय पहले ही पहुंच जाना है। जो भी जरूरी चीजें हैं आपके पास, कलम है आपका, प्रवेश पत्र है, उसके बाद आधार है, साथ ही आप अगर कोई दवाई वगैरह खाते हो तो साथ में वो ले लो। सारी जरूरत वाली जो चीज़ें हैं आप एक क्या है बढ़िया से आप हो कोई आपके पास सिस्टम हो जिसको कहते हैं ड्रम बॉक्स, ठीक है ना, उसमें रख लीजिए, बढ़िया से आप व्यवस्थित कर लें ताकि आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन लेना ही ना पड़े। तो ये कुछ बातें हैं बच्चों आपको अपने दिमाग में रखना है और इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इसका परिणाम बहुत ही बेहतर होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ।